भाई अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का, तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। आपका भाई उठा है 4 बजे और मौसम भी यहाँ का, वो कैसा मौसम है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है, सही है। और ये डिश बनाई है सफदर साहब ने, पता नहीं कैसी है, नाम क्या है इसका? अंडे। क्या नाम है? अंडे। अंडे हाँ। ये दही है और बैंगन है, अंडे हैं और क्या है? प्याज है, टमाटर है। प्याज है, टमाटर है और मिक्स है, मिक्स बहुत अच्छा है। चलो करते हैं। आप भी अभी उठे हो? जी सर। इतना लेट क्यों, संडे वाले दिन? तो संडे है ना, तो संडे है। हाँ ये भी अच्छा सीन है। तो आप सबको गुड आफ्टरनून। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यार, न सर्दियाँ न गर्मी है, हवा भी घुल रही है और हवा भी चल रही है, वो भी इतनी ठंडी नहीं है, सही है। यार आपके भाई ने ना नंबर नहीं देखा बस का, ऐसे बैठ गया, वो उसका रूट ही अलग था, पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ, तो अब टैक्सी किराई या फिर टैक्सी पे जाऊँगा। यार ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि ना नंबर नहीं देखा ऐसे बैठ गया। वाह यार, टैक्सी वाला भी आ गया, अब जा रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ नंबर नहीं देखा ऐसे बैठ गया, सही है। कितने गिरे हुए हैं, ऑटम आ चुके हैं, अच्छा सीन है। अच्छा तो भाई गुड मॉर्निंग, आज माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुबह का मौसम है और बादल ही बादल है, ये देख सकते हैं, सही है। अच्छा तो आज आपका भाई ना 6 बजे का अलार्म लगाया था आपके भाई ने, ठीक है, तो उठा 6:30 बजे है, कहा था कि ना 5 मिनट के बाद उठता हूँ, तो ये हर किसी की दास्तान ऐसे है। आपका क्या सीन था? यार मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया है, हाँ मैं उठा हूँ, अलार्म बंद किया है, मैंने कहा 5 मिनट बाद उठूँगा। अच्छा, जब उठाऊँ तो 7:30 हो रहे हैं। 7:30 हो रहे थे जी जी। और कैसे उठा था यार? वो कोई प्यारा भाई नहा के निकला है ना, उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो उसके खुलने की वजह से मेरी आँख, हाँ सही है, उसको अब जिंदगी भर दुआएं दूंगा वो मैं था। वो आप थे? हाँ जी। वाओ मैं था, मैं नहाया था ठंडे पानी से नहाया। असल में हमारा टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट है, नहीं तो मैंने आज छुट्टी कर ली। अच्छा सही है, ये हर किसी की दास्तान ऐसे है, जल्दी अलार्म लगाते हैं ना कि उठते देर है, क्या बात है यार। और अभी हम टनल के नीचे से जा रहे हैं, इतना प्यारा सीन है। आंधी गुली हुई है यार, अच्छा तो भाई आज गैप आ गया था बहुत ज़्यादा मंगल वाले दिन, तो बारिश भी हो रही है, देख सकते हैं मौसम भी ऐसा है, तो मैंने सोचा कि ना चला जाता हूँ कहीं पर, खा पी भी लेंगे और फिर बाद में चले जाएंगे, सही है, मौसम देख सकते हैं। सुबह 550 के और ये चीज़ें
किसी भी चीज़ हो यार। मार्केट है यहाँ पे कुछ लेते हैं टमाटर, बड़ी मार्केट है, खीरे नुकीले ही हैं। अच्छा इधर मार्केट में आए थे ना तो सामने वालों ने ना पूरा थैला ना तैयार रख दिया था, उन्होंने कहा था ये सारा सामान खरीदेंगे पूरे महीने का, और हमने खरीदे खीरे 2-4-5। बहुत फनी सीन था यार। इधर घर देखो पुराने हैं, लेकिन मस्जिद देखो इतनी प्यारी है, इसे अभी बनी है, मतलब न्यू बनी है, तो देख सकते हैं बड़ी प्यारी मस्जिद है, मतलब 1 साल हुआ इस मस्जिद को ना, ये देखें अच्छी है ब्रो। अच्छा तो अभी ना ये टेस्ट करते हैं पुलाव इनका, ठीक है कैसा है, मैंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं यहाँ के पुलाव, तो इनका करते हैं। मज़े का पुलाव है, और इसमें मतलब ये मिर्ची इतनी नहीं है जैसे होती हैं। अच्छा मैम ये पुलाव कैसा है? पुलाव अच्छा है। कितने अच्छा का मिला है ये? मिला है 570 सौ का, और मैंने तुर्किश के साथ जो है वहाँ पर भी खाया पुलाव, और गोल्डन मॉस्क है ना उसके साथ भी खाया पुलाव, वहाँ पे मतलब सस्ता मिलता है 300 का ऐसे मिल जाता है, लेकिन ये महंगा है, तो ये उनसे अच्छा है ये मैंने खाया। अच्छा साकिब ये देखो ये 2 बोतलें हैं, ठीक है, एक कोका कोला की है और एक पेप्सी की है, आ रही है समझ, मतलब 2 डिफरेंट ब्रांड है, ठीक है। अब देखो हम गए हैं वहाँ पे, कोका कोला भी पड़ी थी और पेप्सी की भी पड़ी थी, तो फिर हमने इसकी भी ली है, ठीक है, ये मैंने पीनी थी कोका कोला, और तूने पेप्सी लेनी थी, ठीक है, आ रही है समझ। तो इसका मतलब ये हुआ कोका कोला की भी 1 सेल हुई और पेप्सी की भी 1 सेल हुई, मतलब दोनों की बराबर सेल हुई। अगर मतलब 2 कम्पिटिटिव ब्रांड इकट्ठे रख दो, ठीक है, तो दोनों की मतलब 1+1 दोनों की इकट्ठे होगी सेल। अगर एक ही कोका कोला की वहाँ पे होती ना, तो मतलब ये कि ना अगर हम एक खरीदते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होती इसकी सेल, लेकिन अगर कम्पिटिटिव ब्रांड हम रख देना तो मतलब ये कहना दोनों की इकट्ठे होती है सेल। समझ नहीं आ रही लेकिन सुन कर रहा अच्छा। कहने का मतलब ये है कि ना अब एक कोका कोला की है और दूसरी पेप्सी की है, अगर दोनों इकट्ठे को ब्रांड रख देना, अब तेरे मेरे दिल ने कहा मैं कोका कोला पीता हूँ, ठीक है, मेरे जहन में ये आया, अगर एक एक होती, ठीक है, तेरा दिल कहता मैं कोका कोला पीता हूँ, फिर तेरा दिल कहता नहीं मैं ये नहीं पीता मैं जा रहा हूँ, अगर मतलब ये कि ना 2 होती कोका कोला भी होती और पेप्सी भी रख दूं, तो फिर जहन में ये होता है कि नहीं मैं मतलब ये कि ना कोका कोला पीऊं या पेप्सी पीऊं, मतलब या आ जाता है बीच में, तो फिर इसका मतलब दोनों की एक जाती है, मतलब दोनों की सेल हो रही है, दोनों की सेल हो रही है। और ये स्ट्रेटजी बिजनेसमैन अप्लाई करते हैं, मैंने कहीं से पढ़ी थी, वीडियो देखी थी मैंने भाई, हमने बारिश भी हो रही है, ओके सीन देखो ब्रो, बारिश हो रही है फुल, देख सकते हैं और जा रहे हैं अंदर, सही है टेम्परेचर गाड़ी में, कैसी है फील साकिब, कैसे है फील? नींद नहीं हुई थी मुझे, साकिब उठाता है यार उठ जा चलते हैं, मैंने कहा बस नहीं चलते यार छुट्टी करते हैं, ऐसे है कि नहीं, जब बंदा सो रहा हो ना दिल करता है कोई भी ना उठे, लेकिन फिर बाद में हमने कहा चलते हैं यार ऐसे नहीं छुट्टी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियों का बहुत औखा सीन है। ऑटम का सीजन है तो देख सकते हैं पत्ते छत्ते हो रहे हैं बहुत अच्छा। जैसा कि बता जब मैं तू उठा रहा था क्या कह रहा था मैं? तो कह रहा था कि नहीं बारिश हो रही है सर्दी है मैं नहीं जा रहा। हाँ।
लेकिन पहुंच गए। ये पराठे के लिए अच्छा है, मक्खन ये वाला हाँ सिर है इसको, सिर चीज को। ओके सफदर भाई जी भाई, रेट द वेदर ऑफ बिश्केक आउट ऑफ 10। 0 बाय यार, इतना प्यारा वेदर है, देख तो सही, रोमांटिक वेदर है भाई। आई यू हैव गर्लफ्रेंड? या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वाओ, so why you are walking single? Because you are with me. That's why. Okay. सही में बताओ, out of 10 में से कितना दोगे? भाई 5 या 6 है। 5 या 6 है? 10 में से? 10 में से, yes। इस्लामाबाद का कैसा है? ठीक ही है। उसका भी ठीक है। ठीक है। अच्छा है। तो पेरिस का है भाई? पेरिस का? हाँ। कभी गए हो पेरिस? लेकिन बाद में इतना तो हम नहीं डिटेल करते भाई, किसका वेदर अच्छा है किसका नहीं। चलो ठीक है, हाँ मैं समझ गया। ओके ब्रो, ओके ओके ओके, यू आर डीप। टॉयलेट वाले कौन से होते हैं? आई थिंक ये होते हैं, ये देख, ये नहीं होते टॉयलेट वाले, ये फेरी है, ये फेरी है, ये भी टॉयलेट वाले कौन से हैं देखते हैं। कौन वाले हैं ये? वो हैं यार, याद है जो सफाई हो रही है उसकी। ये बहुत अच्छा है, मतलब एक ना किचन को, किचन के ऊपर अगर आपने सफाई करनी है थोड़ा सा छिड़काव ना, ये बहुत अच्छे से सफा कर देता है। ये इसमें टॉयलेट नहीं, ये टॉयलेट ये किचन के हैं सारे आई थिंक, ये भी ये। हाँ पता नहीं, हाँ ये टॉयलेट बना हुआ है ना, हाँ ये 180 का, 144 का ये है। कौन सा चाहिए, अच्छे वाला या गंदे वाला? हिसाब है ये, वो ट्रांसलेशन निकालना क्या? कपड़े टॉयलेट और ये सिंक कपड़े के बने हैं, ये है वाइटनिंग के लिए। तो भाई आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से हो चुकी है, क्योंकि आज जुम्मे है और आप सबको जुम्मा मुबारक भी, और अभी नमाज़ पढ़ भी ली है मैंने, और यहाँ पे निकला जुम्मा भी 7 बजे का टाइम है, ठीक है। तो पूरा अंधेरा है, अंधेरा, पहले 7 बजे निकलता था तो मतलब ये रोशनी होती थी, दिन निकल आता था, तो अभी मतलब ये कि ना 15 मिनट के बाद दिन निकलेगा। तो सुबह की क्लास है, तो सुबह की क्लास लेने जा रहा है आपका भाई, और कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ अकेला ही जा रहा हूँ यार, क्या बात है। ये देख सकते हैं ये है सीन, रोड भी खाली है। चलो देखो काम शाम कर रहे हैं, सही है आपका ये ट्रैक्टर का, अच्छी बात है यार। अच्छा जो पिछली वीडियो आपको दिखाई है ना, उसमें ये सीन था कि एक बंदा इंटर हुआ, इंटर होने के बाद ना उसने ना नकली नोट दिए, नकली नोट देने के बाद फिर उसे बंदे को पता चला जो ना लेने वाला होता है बस वाला,
तो जो बस चलाने वाला होता है उसे पता चला कि ना ये तो नकली नोट है, 200 सोम का था, ऐसे नकली नोट था। तो फिर वो बहुत गुस्से हुआ, उसने कहा कि ना ये किसने दिया, तो खड़ा हो गया। पहले पूछा बंदों से तो किसी ने नहीं बताया, तो फिर जाके ना ढूंढ रहा था बंदों को हर किसी से। तो फिर बाद में ना एक बंदा पकड़ा गया, मैं बताता नहीं हूँ कौन था लेकिन था सही, ठीक है। तो वो कहता था कि ना अगर कोई बताता नहीं है तो मैं ना कैमरे से पता चल ले, मुझे कैमरे से ना पता चल जाएगा, कैमरे का भी बता रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तो आखिरकार उसने बंदे ने पकड़ ही लिया, मतलब ये कि ना इंटर हुआ था, 200 उसने दिए और मतलब नकली नोट लेके और असली नोट उसने लिए, समझ रहे हो। ये थी ट्रेजरी या स्ट्रेचरी कह सकते हो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके अच्छा, ये रेसिपी बन रही है बिरयानी, बिरयानी बन रही है। तो इसमें आपने क्या क्या डाला है? धनिया, कार्डमम और उसके अंदर हमने लौंग डाले हैं, गरम मसाला डाले हैं, नमक डाले हैं। अच्छा, बस ये कुछ मतलब जीरा डाला है हल्का सा खुशबू के लिए, कुछ ये मतलब इसमें चावल ऐड करेंगे आप जी, और इसमें मसाला बनाएंगे जी। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या डाला आपने? इसके अंदर सिर्फ प्याज तो नहीं है, जीरा और लौंग और इलायची। ठीक है, काट रहे हैं, सही है। कितने चम्मच चाहिए चावल? चावल 2 किलो होंगे, 2 किलो सही है ब्रो। अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे और इसको ना थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये ज़ीरा आपने डाला है जी? ज़ीरा, ये कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ये कितनी डालनी है? 1 चम्मच। 1 चम्मच, और ये है गरम मसाला, 1 चम्मच। और ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये है हल्दी, 1 चम्मच, आधा चम्मच। बस यही कुछ है? बस जी यही कुछ है। ठीक है, इसे मैरिनेट करेंगे जी। गुड, अब इसके अंदर ना हमारे पास और भी कुछ किर्गिस मसाले। ये देखो, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी है और ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। जीरा है, ये क्या डाल रहे हैं? ये काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च। ये हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे और इसमें खुशबू के लिए डालेंगे। अच्छा, खुशबू के लिए, ठीक है। ये डाल चुके हैं। उसके बाद जीरा भी हम डाल चुके हैं। लहसुन पाउडर हम डालेंगे, लहसुन पाउडर, ठीक है। इसके अंदर भी हम ऐड करेंगे। और बिरयानी मसाला नहीं है? बिरयानी मसाला, ये पुलाव मसाला इसके अंदर, ये मतलब एंड में डालेंगे, सही है। पुलाव मसाला ये देख सकते हैं, बस यही कुछ। और दही, दही का क्या सीन है? दही डालोगे आप? दही भी
इसके अंदर डालोगे या बाद में? नहीं अभी इसके अंदर ना हम दही नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। सही है, इसको ना अभी आज में अच्छे से मसाले को इसके ऊपर लगा देंगे। कितने मिनट ये रखेंगे? जब तक आपका वो प्याज ब्राउन होता है या टमाटर डलते हैं, तो इसके ऊपर ना ये मसाले लगा के इसको हम फिर दम पे कितने मिनट रखने हैं? 45 मिनट दम पे। जितना दम देते हैं उतनी आपकी बिरयानी अच्छी बनती है। ठीक है, ओके। ये पानी कम करेंगे कि नहीं? पानी निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, बॉइल करके पानी निकाल देंगे। इसके अंदर ऑयल भी डाला है हमने, चावल जोड़े ना, चावल जोड़े ना, ताकि सही है। कितना डाला होगा? 3-4 चम्मच होगा? हाँ, या 1 चम्मच होगा इतना? नहीं, इससे कम होगा। 4 खाने के चम्मच? 4 खाने के चम्मच। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ से ना मसाला लेना है मैंने, वो वाला कम पड़ा था। ये है मसाला फ्लोवा, ये लिखा हुआ है, मतलब ये देखो फ्लोवा मसाला। और भी हैं, ये देख सकते हैं, ये मसाले हैं। कैसे करते हैं? चिकन को भून रहे हैं। हाँ, प्याज के अंदर, प्याज के अंदर 7 से 10 मिनट भूनेंगे इसे। इधर ये भी होगा, सही है।